हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएस मास्टर के फ्रेश कमल न्यू एपिसोड में। तो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे 11th क्लास के, तो मैं एग्जाम से फ्री हो चुका हूँ और अब मैं वीडियो फाइनली बना रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बहुत से लोगों ने पूछा भाई मैजिक स्पीड एक्सपर्ट ड्रोन की मोटर्स को इंस्टॉल करके बताइए कैसे उसकी मोटर्स को इंस्टॉल करते हैं और इसकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कैसे रिजॉल्व करें। तो मैं आपको इसी वीडियो में ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखती रहिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं देख दिखा देता हूँ आपको ये मैजिक स्पीड एक्सपर्ट ड्रोन का मेन बॉक्स, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने मैजिक स्पीड लिखा हुआ है। इसके अनबॉक्सिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन मैं आपको एक बार कोई अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको एक थर्माकोल बॉक्स मिल जाता है, इसके अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाती हैं ड्रोन के बारे में। जैसे सबसे पहले तो मेन ड्रोन मिल जाता है आपको ये रहा, और इसे बाद में, और इसके बाद ये हमारा रिमोट कंट्रोल इस ड्रोन का जो कि ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बहुत अच्छी है वीडियो हमारी। और उसके बाद ये आपको गिम्बल टाइप का मिल जाता है, यहाँ पे लैंडिंग गियर्स मिल जाते हैं, एक 1600 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ये कुछ प्रॉपलर गार्ड्स हैं, एक 5 MP का कैमरा मिल जाता है। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा प्रॉपलर, एक चार्जिंग केबल और एक स्क्रू ड्राइवर, तो यही सब चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। और ये हमारा ड्रोन, तो आज हमारे बस ड्रोन ही काम का है, बस हमारे जो है बस ड्रोन काम का है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर ले लिया है इसका, और चलिए अब स्क्रू ड्राइवर से इसे फटाफट से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले तो ये हमारा ड्रोन और काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई भाई, मैं पहले से इसे खोल चुका हूँ एक बार। तो हम इसके मोटर को इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 4 मोटर्स हैं, इन चारों मोटर्स को हटाएंगे। एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो देखिए हो ये रहा है कि मोटर्स जो है ख़राब हो रही हैं एक्सपेक्टेड ड्रोन की। एक मोटर ख़राब हो गई, फिर उसका उसकी जो मोटर है कहीं पे मिल नहीं रही है। इस वजह से मैंने उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन बताया था एक क्यों वीडियो में कि आप यहाँ तो 4 मोटर्स को रिप्लेस कर दीजिए या फिर नई मोटर ला के आप वहाँ पर लगा दीजिए वही सेम चीज़। तो मैंने आपको बताया था कि सेम मोटर तो मिल नहीं रही है, इस वजह से आप 4 मोटर्स को रिप्लेस कर दीजिए तब भी तब आपका ड्रोन उड़ सकता है। तो मैंने इसकी 4 मोटर्स को रिप्लेस कर दिया है, अभी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए आपको दोबारा से बताने वाला हूँ कैसे इसे करते हैं। तो सबसे पहले ये ड्रोन है, हमें ड्रोन को ओपन करना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत सारे स्क्रूज आपको मिल जाते हैं। तो चलिए ड्रोन को ओपन करते हैं। ऐसे तो गाइस स्क्रू बोलते बोलते बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन हम करेंगे आपके लिए, चाहे टाइम लगे चाहे कुछ भी हो आपके लिए करना पड़ेगा भाई। दोस्तों यहाँ पे मैंने ड्रोन को ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 4 स्क्रूज को यहाँ पे खोल लिया। अब इसे मेन खोलने की बारी आती है इसकी ऐसे, तो हम इसको इस तरह से कुछ ओपन करेंगे, आपको बहुत ही ध्यान से करना है और मेक श्योर आप जो प्रॉपलर जहाँ से उठा रहे हैं वहीं उसी प्रॉपलर को वहीं पर भी लगाना है। तो इसके बारे में कुछ नहीं होता है, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ, ये हमारा मेन ड्रोन है। अब आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे 4 मोटर्स आपको कुछ अलग लग रही होंगी, ये 4 मोटर्स रिप्लेस मोटर हैं, ये उसके ऑरिजिनल मोटर नहीं है। इसके ऑरिजिनल मोटर इसके अंदर रखी हुई है जो कि मैंने ये 4 मोटर्स मंगाई थी जो कि 8x20 mm की मोटर्स हैं। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आए थे इसके साथ में, बहुत सी चीज़ें आई थी ऐसे, तो ये सब चीज़ें आई थी इसके साथ में। तो ये हैं इसकी ओरिजिनल मोटर्स, अब आप ये देख पा रहे हैं ये है 8x16 mm की मोटर, ये वाली जो एक्सपर्ट ड्रोन की ओरिजिनल मोटर है वो ये है। तो ऐसे मेरे पास तीनों पड़ी हैं, 4 मोटर्स हैं जिनमें से एक मोटर को मैं आपको दिखाऊँ तो एक मोटर यहाँ पर एक्चुअली में ख़राब हो चुकी थी मेरी पहले, ये वाली मोटर्स आप देख रहे हैं इसका पीछे का जो होता है वो नहीं है, तो ये ख़राब हो चुकी। इसकी वजह से मुझे मोटर नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने जो है इसकी नई मोटर्स मंगाई सारी और इन तीनों को निकाल दिया, जो बची कुची मोटर्स थी इसकी सारी, और उसके बाद नई मोटर्स को इंस्टॉल कर दिए चारों एक जैसी। तो इस तरह से ये 3 मोटर्स और हैं यहाँ पे, तो ये हमारी 4 मोटर्स हैं। तो इनका साइज ये है, अब देखिए रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है इन मोटर्स को, कोई भी कर सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मोटर जो भी ओरिजिनल, मान लो ये ओरिजिनल इसकी ओरिजिनल मोटर्स हैं, इनको निकाल के मुझे ये वाली इन वाली मोटर से रिप्लेस करना है मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे जो भी वायर्स हैं इन सबको वायर्स को जो भी जहाँ से आप डिटैच कर रहे हैं वहीं पे आप लगा दीजिएगा इन सारे वायर्स को। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से ये मोटर्स को निकालना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मोटर सील्ड हैं, ये मोटर सारी सील्ड है। तो आपको क्या करना है, ये मोटर को ऐसे करके निकालना है, उनका जो वायर है उनको डिटैच कर देना है, और करने के बाद आपको मोटर नई वाली लेनी है और मेक श्योर आप जो काउंटर और जैसे वायर लग रहे हों उसी तरह से आपको वायर लगाने हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। इसमें जो ये जो है ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला जो है नेगेटिव होता है, ये वाइट वाला पॉजिटिव होता है इस केस में। कुछ मोटर्स में ऐसा भी होता है रेड एंड ब्लू कलर का वायर होता है, तो रेड वाला यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वाला जो है नेगेटिव है, तो आपको इसको पॉजिटिव नेगेटिव का बेहद ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इस मोटर को लगाना है, उसके बाद जो ग्रारी होती है उसे निकालना है, ग्रारी लगानी है इसके अंदर और सिर्फ यहाँ पर अटैच कर देना। अगर बाई द चांस आपकी मोटर फिट नहीं बैठती तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर टेपिंग की है, आप ऐसे करके 1-2 राउंड टेपिंग मार सकते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये इजीली अंदर चली जाएगी। और उसके बाद
सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से, सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से आपको इन सब मोटर्स को रिप्लेस कर देना है। तो बेसिकली यही सब था। तो ऐसे करके आपको चारों मोटर्स को रिप्लेस करना है यहाँ पे, पहली बात, ठीक है। अगर अभी जिनको नहीं आया कि कैसे रिप्लेस करते हैं, तो भाई देखो अभी फ़िलहाल मैं इन मोटर्स को तो निकालने नहीं वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से मैंने अटैच किए हैं ये मोटर्स। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करते जाएगा तो आपकी मोटर लग जाएंगी। आपको क्या करना है, अगर फिट नहीं बैठती है, अगर मोटर जो है लूज़ है, तो आपको टेप लगा के टाइट करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मोटर ज़्यादा मोटी है और मतलब इस होल में नहीं आ पाएगी, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये है, ये वाली मोटर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है सोल्डरिंग आयरन की अच्छी, मैंने जो होल है उसको चौड़ा कर दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा वाइड किया है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपको तो होल को वाइड करके भी काम चलाना है। तो ऐसी तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ करना है, और ये काम करना काफ़ी ईजी सा है। बस एक चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि आपको जो वायर जहाँ से निकाला है वही वायर वहीं पर लगना चाहिए। कोई भी ऐसे उल्टा सीधा वायर मत लगाना, जो दो मोटर काउंटर क्लॉक वाइज घूमती हैं, दो क्लॉक वाइज घूमती हैं, तो आपको क्लॉक और काउंटर वाइज क्लॉक वाइज का बेहद ध्यान रखना है। तो आपका ड्रोन या तो टेढ़ा भागेगा ऐसे करके, या आपका ड्रोन ऐसे भागेगा, मतलब कुछ दिक्कत तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी, और बिल्कुल ड्रोन आपका अच्छे से नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे मेरे ध्यान रखना है कि आप जो मोटर को जहाँ से उठा रहे हैं वही मोटर वहाँ पे लगानी है आपको। और उसके बाद यही सब था इसकी आज की इस वीडियो में। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अनबॉक्सिंग और फनी फनी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखा करता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।